बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब सात दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द में मिटे न भरमा। सार शब्द पर मैंने कई बार बातचीत की है, सार शब्द ने अक्षर रूपा। आजकल बड़ी संस्थाएं निकली है, कई मिशंस निकले हैं। एक आदमी से मैं बोला, भाई सार शब्द क्या है समझाओ। बोला गुरुजी ने कहा है सार शब्द किसी को बताना नहीं। मैं बोला भाई फिर तुम्हारा सार शब्द कुछ अलग तरीके का है। जैसा साहिब की वाणियों में वर्णित है, आप कह रहे हैं गुरुजी ने कहा है बताना नहीं। साहिब तो वाणी में कह रहे हैं सार शब्द सो कहा न जाए, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, अकह नाम गुरबिन नहीं पाई। क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो सब नाशवान है, जो बोला जा रहा है वो वाणी है, उसमें पृथ्वी तत्व और वायु तत्व है, वो नाम इन सब से परे है। कह रहे हैं सार शब्द को पावे भेदा, कहे कबीर सोहंस अखेदा। खेद दुख को कहते हैं, वो दुख रहित हो जाएगा। सार शब्द शरक्षर पारा। एक जगह साहब क्या कह रहे हैं पता है, क्षर अक्षर निरक्षर पारा, विनती करे तहन दास तुम्हारा। क्षर माया, अक्षर ब्रह्म, निरक्षर निरंजन, इनके पार। सार शब्द जो प्राणी पावे सतलोक में जाए समावे। जैसे आप देखें नेविगेटर है ना, अगर आप ध्यान दें नेविगेटर रेडी है आपको अपने डिस्टिनेशन और गंतव्य तक पहुंचा के छोड़ेगा, उसमें खूबी है। क्या बात है, वो नेविगेटर का सीधा संपर्क गूगल से है। जहां आप भटकेंगे वहां आपको इतला देगा, सिर्फ इतला नहीं देगा भटकने की, आगे का रास्ता भी बताएगा आपको। एक चीज का अनुभव है, नाम के बाद एक ताकत आपके साथ है। जहां कुछ गलती करने जा रहे हो वो ताकत समझाती है, अंतोगत्वा आपको उस लोक तक पहुंचाकर छोड़ेगी वो। मैंने कई बार एक उदाहरण दिया था, बम्बोरी से हम वापस आ रहे थे भोपाल, ये 10 साल पहले की बात है। उस समय ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी, थी लेकिन मेरा भतीजा निक्की MBA है, वो एक्सपर्ट है इस पर, उसने नेविगेटर लगाया था। उससे पहले मुझे इंदौर से किसी ने नेविगेटर दिया था, अलग से नेविगेटर होता था, आजकल उसको स्मार्टफोन में शामिल कर दिया। स्मार्टफोन में बहुत एप्लीकेशंस हैं, तो वो भी नेविगेटर अभी भी मेरे पास हैं। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, स्मार्टफोन ने हमारी देश की कई चीज़ें अपने में समाहित कर दी और बेरोजगारी में स्मार्टफोन का बहुत बड़ा हाथ है। आप अभी भी देखें दुनिया के काफ़ी देश हैं जो क्रिकेट को नकारते हैं। आप यूरोप में देखें सिवाय ब्रिटेन के कोई क्रिकेट नहीं खेलते, अमेरिका में कोई क्रिकेट नहीं खेलते। उनका ये मानना है कि अननेसेसरी 5-5 दिन आदमी उसमें चिपका रहता है और इससे श्रम की हानि होती है राष्ट्र की, वो इसको प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। इस तरह नेविगेटर स्मार्टफोन में आप देखें, आजकल टाइपराइटर का महत्व नहीं रह गया, उसमें है। आजकल टॉर्च का कोई महत्व नहीं, वो भी स्मार्टफोन के अंदर है। कैमरे का कोई महत्व नहीं रहा, आज कैमरा इतने अच्छे अच्छे कैमरे उसमें हैं, वो कैमरे बाहर नहीं मिल पाते हैं। इसमें कई चीज़ें दे दी,
बड़ी बिजनेस को, लघु उद्योग को अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किया तो स्मार्टफोन ने। फायदे भी किए हैं, ऐसा नहीं, कई चीज़ों के लाभ भी दिए, लेकिन उस लाभ के साथ उन्होंने मिलाकर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं जो हमारे देश में बेरोजगारी को प्रोत्साहन देती है। प्रेसें सब बंद हो जाएगी, नेविगेटर बंद हो जाएंगे, टार्चें जो लघु उद्योग में आते हैं, छोटे छोटे कारखाने, वो भी बंद हो जाएंगे। इस तरह से संस्कृति पर भी बहुत बड़ा असर डाला। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, उतना तुर्क उतना डच उतना फ्रांसीसी उतने ब्रिटिशेज देश की संस्कृति को हानि नहीं पहुँचा पाए जितनी स्मार्टफोन ने पहुँचाई। हमारा कल्चर पूरा डिस्टर्ब कर दिया। खैर छोड़िए, मैं इस पर अधिक नहीं बोलूँगा। तो इसमें नेविगेटर हैं, जब मैं ज़्यादा बोलूँगा कहेंगे ये पुराने ज़माने के आदमी हैं और इनको कुछ पता नहीं है, वो बातें कर रहे हैं। यहाँ एक बात मैं नव युवकों को भी एक प्रार्थना करना चाहूँगा, आप बुज़ुर्गों की इज्जत करो, उनको प्रैक्टिकल ज़िंदगी का अनुभव है। अगर आप एक स्मार्टफोन को फंक्शन कर रहे हैं और अपने आप को एडवांस मान रहे हैं तो ये भूल है। बुज़ुर्गों के पास लाइफ जो जी है उसका एक बहुत बड़ा अनुभव है। कहीं कहीं मैं देखा कि बच्चे लोग स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं, माता पिता को नहीं आता है तो उनको इन भावना से देखते नहीं, उन्होंने रियल में ज़िंदगी को जीवित जी करके देखा है। तो इस प्रकार से वो नेविगेटर क्या करता है, आपको अपने गंतव्य तक पहुँचा के छोड़ता है, उसकी एक खूबी है। इसी तरह नाम जो है आपको, अब यहाँ साहिब कह रहे सतलोक में जाए समाए, यहाँ साहिब कोई अपवाद की बात नहीं कर रहे हैं, तर्क विसंगत बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं वो नाम वहाँ तक जाकर पहुँचाएगा और इसकी साक्षी उन्होंने कई जगह दी है। हमें विश्वास तो करना होगा ना। नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बढ़ाई। तो नाम की पुष्टि उन्होंने की है और साथ में फिर उन्होंने एक चीज और भी बता दी है, गुरु सजीवन नाम बताए, गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा घर जाए। अब यहां सजीव बोला, रोबोट वाला सजीव नहीं है, ठीक है। ये दुनिया बिजनेस की साइड पे जाती है, कई उन्नतशील देश, अब किचन में भी रोबोट होगा और आपको डॉग, रोबोट डॉग भी होगा, वो सब बिजनेस के ट्रिक्स है। जो चीज़ ओरिजिनल होती है वो ओरिजिनल होती है। उन्होंने जी कि इसमें रिस्क हैं काफ़ी, जो नेचुरल है नेचुरल है। एक आदमी रोबोट को आदेश दिया था, कोई भी आए उसको रोकना, नहीं रुके तो उस पर हमला करना। वो गलती से खुद ही बाहर जाकर आया, उसको मार दिया था उसने, ये न्यूज़ में हमने देखा था। लेकिन जो मनुष्य है इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अंग्रेजों ने एक, US वालों ने एक रोबोट बनाया तो कुछ लोगों ने क्या कहा, वाह ये इंसान की तरह है। वैज्ञानिकों ने पता है क्या कहा, कभी नहीं बोलना, इंसान की तुलना कभी कोई नहीं कर सकता है, वो तो विचारशील विवेकशील है, ये तो उतना ही जितना इसमें फीड किया है उतना ही बोलेगा। आप एलेक्सा ऐप पर जाएं, आप वो लगाएं अपने घर में, उससे कुछ बात करें तो वो कहेगा, उससे पूछो ना कहाँ तक पढ़ी हो एलेक्सा, तो कहती है ये मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ उसमें फीड नहीं की। छोटे बच्चे उसको परेशान करते हैं, कहते हैं आई लव यू, तो वो क्या कहती है, मुझे इसका पता नहीं है। बस सीधी बात है, वो एक ही बात में टाल देती है कि मुझे इसका पता नहीं। इंसान तो एक चेतन ताकत है वो। फिर इसमें क्या होता है, जब गुरु वो ताकत दे देता है तो अंतर शक्तियाँ पूरी भी जो आपके अंदर हैं वो जग जाती है। सत्य प्रेम ज्ञान ये सब ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, ये दैव संप्रदाय कहलाती है, असुरी संप्रदायें भी मनुष्य के अंदर हैं, तो ये जग जाती है। इन सब मिल पहुँचे निष्ठामा, आप यहाँ साहब कह रहे हैं इन सब के मिलने के बाद अपने स्थान पर पहुँचता है। तो ये शक्तियाँ आप देख रहे हैं कि ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, नेविगेटर में उतना ही फीड किया हुआ है जितना उसमें वैज्ञानिकों ने भरा है, फीड किया है, उतना ही बता सकते हैं, उसके आगे पूछोगे तो कुछ नहीं बता सकते हैं। पर मनुष्य एक ऐसा रोबोट बनाया है निरंजन ने कि इसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। तो आइए हम देखते हैं, तो नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बढ़ाई, इसका मतलब है नाम की ताकत से हंस उस देश में जाएगा। आखिर तकाजा क्या है संतों का, फिर इस मार्ग में आपके निमित्त क्या है,
आपके निमित्त सिर्फ एक बात है, गुरुमुख बन जाओ। आपके निमित्त केवल एक बात है, गुरुमुख बन जाओ। इस गुरुमुखता का भी उल्लेख ग्रंथ साहब में भी है, हमारे शास्त्रों में भी है और वेदों में भी है। आप सोचें ना, ऋग्वेद कह रहे हैं ध्यान मूलम गुरु रूपम, वहाँ विराम लग गया ना, सूर्य चंदा बसे आकाश कमोद नहीं रहे जलमा है। आप देखें चंद्रमा ऊपर है आकाश में, कमोदनी नीचे है, उसको देखकर पुलकित होती, कोई ऊर्जा तो मिल रही है ना। जो गुरु बसे बनारसी, जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण हो शरीर। दीजिए सूरत पठाए, वाह, जो गुरु बसे बनारसी दीजिए सूरत पठाए, शिष्य सात समुद्र पार बैठा है, शपतुरी असवार है, सूरत ऐसी असवार है पल आवे पल जाए, सूरत जात नहीं लागत बारा। अपने दिमाग में एक चीज आप पक्का रखें, वो ये, आपकी आत्मा ध्यान है और ध्यान आत्मा है। इसलिए जितना आपका ध्यान दुनिया में भटक रहा है, समझना आप उतने ही भटक रहे हैं। ध्यान सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर, ये जान करके उलझाएगा मन आपका, और सूरत को वो बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ता है, अंधी सूरत हो जाती है। अंधी सूरत नाम बिन जानो। कई लोग मेरे पास आते हैं, जब उनसे पूछता हूँ पिछली जिंदगी का, तो वो बताते हैं बड़ी अटपट, बड़ी खराब जिंदगी थी, अब कैसे परिवर्तित हुए, आप तो वही है ना, लेकिन वो नाम कह रहे प्रताप थे, भय आन के आन। तो आगे कह रहे हैं, गहे नाम तय संशय नहीं, यानी अगर आपके साथ में कोई गाइड है, आप कहीं जा रहे हैं, उदाहरण के लिए मैं लॉस एंजलिस में जा रहा था, प्रोग्राम था, तो मेरे साथ में शशि ठाकुर जी थे, तो मैं निश्चिंत था, मैं ये जानता था ये यहाँ का वासिंदा है, मुझे गंतव्य तक पहुँचाएगा। इस तरह आपको हमेशा एक बात फील होगी नामदान के बाद कि एक ताकत मेरे साथ में यथार्थ में है। यहाँ साहब फिर पुष्टि कर रहे हैं अपनी वाणी में, नाम पाए सत्य जब वीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। कवन प्रसाद नाम हम पाया, कवन प्रसाद हम लोग से था। नाम दो कारण से मिलता है। धनराज जी कह रहे हैं, और क्या मैं तरीका अपनाऊं जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो। यहां नानक जी इसकी पुष्टि कर रहे हैं, जिसका पूरब लिखिया से गुरु चरण गए। इसका मतलब है पूर्व कर्मों के अनुसार ही नाम की प्राप्ति हुई। दूसरा भी वे साहेब वाणी में कह रहे हैं कि उसकी 71 पीढ़ी तार देता हूं जो नाम पाता है। ये सब साधारण बातें नहीं है, 36 आपकी बीत चुकी हुई पीढ़ियां तर जाएगी, चाहे कहीं भी है उनको एक महत्व प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे आर्मी में जो SSB का एग्जाम में ऑफिसर के लिए होता है, उसमें कुछ नंबर पता है किस चीज़ के होते हैं, कुछ नंबर उसमें होते हैं कि परिवार में कोई आपके एक सैनिक था क्या, अगर भाई पिता या घर का कोई आदमी सेना में था उसको कुछ एक्स्ट्रा नंबर देते हैं। नंबर देने का तर्क है कि वो ज़रूर वहाँ पर कुछ ना कुछ, उसका बाप अगर फौजी था तो कुछ ना कुछ अनुशासन उन्होंने इनको दिया होगा, ऑलरेडी ट्रेन है ये, ऑलरेडी ट्रेन है ये, उसकी ये मान्यता है। इस तरह ये नाम की ताकत से आपकी तारों तार से 71 वंशा, 72 में आप है, आपकी 36 पीढ़ी आगे वाले तिर जाएगी, माता पिता की 36 पीढ़ी आने वाली, उनमें से एक आप भी हैं। तो इस तरह साहब कह रहे हैं उस संस्कार से भी आपको नाम प्राप्त होगा। देखिए कर्मों के फल पर आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। प्राचीन काल में पहले लोग निर्वंश नहीं रहना चाहते थे, वो जानते थे
निसंतान नहीं होना चाहते थे, वंश को खत्म नहीं होने देना चाहते थे। वजह कहते थे अगर किसी कारण से हम पितृलोक में पहुंच गए तो हमें तर्पण कौन देगा, श्राद्ध कौन करेगा। इसलिए वो लोग हमेशा निसंतान होने से बचते थे। इसका मतलब यह है पितृलोक में बैठे हुए हमें पुरखे, क्योंकि उनका शेयर है हमारी बॉडी में, हमारे किए हुए कर्मों का कुछ उनको भी फल मिलता है। आपको ध्यान होगा एक बार मुझे एक माता ने कहा कि आप देखो हमारे परिवार में उन्नति होते होते कुछ ऐसा घटनाक्रम आता है जिससे काम ऊपर तक पहुंचकर पूर्ण होने वाला होता है, धराशायी हो जाता है। वो बहन जी बड़ी सतर्क और सजग थी, उन्होंने मुझे फिर कुछ एग्जाम्पल दिए। मैंने कहा चलो देखता हूं। जैसे आप देखते हैं कुएं में अगर कोई बर्तन गिर जाता है तो बिल्ली भेजते हैं, वो बिल्ली को, ये बिल्ली नहीं जो चल रही है, इसको कहीं कहीं कांटा भी बोलते हैं, कहीं कहीं बिल्ली बोलते हैं। उसमें क्या है हजारों कांटे होते हैं, गुच्छा होता है कांटों का, उल्टे सीधे इधर उधर रस्सी बांधकर कुएं के तल तक फेंकते हैं। फिर वो क्या करते हैं घुमाते हैं रस्सी को, तो घड़ा फड़ा कोई भी जो पड़ा होगा किसी न किसी कुंडे में फंस जाएगा और बाहर खींच के निकालते हैं। इस तरह मैंने ध्यान दौड़ाया तो मैंने क्या पाया, मुझे एक प्रेतात्मा मिली। आप मेरी बात को मिथ्या नहीं समझना, मुझे एक प्रेतात्मा मिली। मैं अपने कंसंट्रेशन से उसको सामने खींचा, मैंने कहा हाँ भाई क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इनकी तरक्की में इतने बाधक क्यों हो। उसने मुझसे, प्रेतात्माएं झूठ नहीं बोलती हैं, उसने मुझे कहा इनके पूर्वजों ने मुझे मारा, मैं निसंतान था इसलिए मेरी आत्मा भटकती है और मुझे पितृ तर्पण देने वाला कोई नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, उन्होंने मारा, इनका क्या कसूर है। मैंने उनसे एक सवाल किया, उसने बोला जब यहां पर संतान को कष्ट मिलता है, पितृलोक में जो पितृलोक है उनको भी पता चल जाता है, यही बात शांतनु की है, आप देखा जब धृतराष्ट्र अपनी बात पर अड़ा था तो शांतनु धृतराष्ट्र के पास आया, तो पता है वहां धृतराष्ट्र ने उन शांतनु को क्या कहा, मैं बिंदुसार का पुत्र हूं उससे संबंधित हूं, आपसे कुछ नहीं। हाँ यहां पर वो गलत बोल गया, धृतराष्ट्र यहां पर गलत बोल गया, क्योंकि उनका पूर्वज तो शांतनु ही था ना। इसी तरह पितृलोक में जो बैठे हुए पितृ हैं और इस पितृलोक का उल्लेख आता है, इस पितृलोक का उल्लेख वाणियों में भी आता है, शास्त्रों में भी आता है, स्वर्ग का भी आता है, चार मुक्तियों का उल्लेख आता है हमारे शास्त्रों में, कुछ भी गलत नहीं है। हाँ कुछ लोगों ने टीका टिप्पणी करके अपनी तरफ से मिलावट की हो तो वो नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैंने कहा आप वहां से टल जाओ, बोला मुझे इसी में शांति मिलती है, इनसे प्रतिशोध लेना चाहता था। तो मैंने उसको हिदायत दी कि अब इनको आप छोड़ के चले जाएं, नहीं तो ठीक नहीं है। कहने का ये भाव है जन्म एक नहीं जन्म अनेक का, पहला तो आदमी अपने उन पुरखों के प्रताप से, या हो सकता है आपके पुरखे भजन किए उनके प्रताप से आपको ये चीज मिली, या दूसरा एक और भी रास्ता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। एक रास्ता और भी है, या तो किसी ऐसे साधु जो गुरुमुख है उसने आप पर रंग चढ़ाया और आप यहां तक आ गए, दो वे हैं। तो इसमें एक प्रमाण भी मिल रहा है, भक्त सुपर सुदर्शन को द्वापर युग में साहब ने सतलोक पहुंचाया था।
वो बड़े गुरमुख थे, उन्होंने एक प्रार्थना की कि मेरे माँ बाप को भी आप यहाँ लाओ। साहब ने कहा तुम्हारे माँ बाप दीक्षा नहीं लिए। तो साहब तब उनके पास फिर आए थे, वो अपने भक्त की भक्ति के प्रताप से ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। तो सूर्य देव की उपासना करते थे साहब उनके, जब वो यूं थे तो साहब गोदी में आ गए अचानक। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने सोचा, ये कथाओं में भी आता है, ये सूर्य देव ने पुत्र दिया। साहब उनके घर में फिर जब गए तो बाल अवस्था से ही उन्होंने उपदेश करना शुरू किया। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने सोचा बालक है, उनको हल्के में लिया। साहब फिर लुप्त हो गए, फिर दूसरे जन्म में आए, वहां भी वो नहीं माने। तीसरे जन्म में वही नीमा नीरू बने, वाणियों में आ रहा है। तो कहने का मतलब है जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, छूटे नहीं भक्ति का टेका और कर्म का लेखा, भक्ति बीज विंछे नहीं, जो युग बीते अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, रहे संत के संत। तो बंधु इस प्रकार से या तो फिर दो ही कारण से आप वहां पहुंचे नाम प्राप्त, या तो आपके पुरखों ने कहीं भक्ति की थी उनके पुण्य प्रताप से, दूसरा कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। या तो फिर वाह संत है मेरी आत्मा, मैं संतों का जीव, मैं संतों में रम रहा जस गोरस में की। या तो फिर आपके साथ में ऐसी कोई विभूति मिली जिन्होंने आपकी शंकाओं का अपने अपने अंदर का प्रकाश आप में स्थानांतरित किया, उससे आप चेतन हुए। तो साहब ऐसे नहीं कह रहे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। इस प्रकार से साहब यही बात कह रहे हैं, कहे कबीर विचार के सुनो, सार शब्द जो प्राणी पावे, सतलोक में जाए समावे, पक्का। आप देखो जब आप कोई ट्रेन में अपनी बुकिंग कराते, एक कागज ही तो आपको मिलता है ना, उस कागज की वैल्यू कितनी होती है। जब आप जाते हैं उसको स्कैन करते हैं कि हाँ ये कागज सही है, तो आपको बोर्डिंग मिल जाती है या सीट मिल जाती है ट्रेन में। अगर गलत है तो कहते हैं भाई तुम्हारा ये जो है नकली है। इस तरह सात अदीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द में मिटे ना भरमा, जब तक सार शब्द की प्राप्ति नहीं करेगा इस संसार से जा ही नहीं सकता है। इसमें दो राय नहीं है, जब तक आप में आपके पास बोर्डिंग नहीं है प्लेन में बैठ ही नहीं सकते हो। सीधा सीधा कह रहे हैं वो लिखने पढ़ने और बोलने से परे हैं। इसी प्रकार से या तो फिर संसर्ग में आए, कहत धर्मराय जब लेखा मांगे, इस शब्द में साहब ने इसका उल्लेख किया है, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा, धर्मराय जब लेखा मांगे की मुख लेके जाएगा। मैंने आपको एक बात कही थी, अध्यात्म शक्तियों का आवर्तन परावर्तन चार तरह से होता है मुख्य, पक्का। लोग ये जानते भी है पर अमल नहीं कर रहे। कहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोय, वो कहनता बह जाने दे जो न गहनता होए। पहला दर्शन से, दृष्टि से मिलती है, इसलिए कह रहे हैं दर्शन करने जाते। यही परमात्मा में भी है, जब उनको आदमी देख दर्शन करता है सभी चीज़ें खत्म हो जाती हैं उसकी। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। दूसरा वाणी से, शास्त्रों में इसका प्रमाण मिलता है, वाणी द्वारा कई कार्य हुए, शाप भी हुए आशीर्वाद भी हुए। और तीसरा स्पर्श द्वारा, मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल दिया वाणी का, अपनी वाणी से ही भृंगा कीड़े को अपनी तरह बनाता है।
इसी वाणियों से कई शक्तियों का आवर्तन परावर्तन होता है। तीसरा स्पर्श, इसलिए उनके चरणों को छूते हैं, इसकी कुछ प्रासंगिकता है। और यही काम चंदन भी करता है। चंदन का पेड़, उसके फूल और फल नहीं होते हैं। वो अपना वंश कैसे बढ़ाता है? अपने अगल बगल के पेड़ से स्पर्श करता है, वो चंदन बन जाता है। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। और दृष्टि का मैंने कई बार प्रमाण दिया, रामायण में भी आपने देखा होगा, महाभारत सीरियल में भी, दृष्टि के माध्यम से ही कंसीव किया था धृतराष्ट्र की माता ने। और ये दृष्टि से बहुत सी चीजें होती है। अनल पक्ष भी अपनी मादा को दृष्टि से ही गर्भिणी कर देता है। वाह क्या बात है। और चौथा ध्यान से, दुनिया का हर आदमी हर धर्म में परमात्मा का ध्यान क्यों किया जा रहा है? हमारी आत्मा है ध्यान। जब भी हम किसी का ध्यान करेंगे उसके गुण धीरे धीरे हम में आने लग जाएंगे, उसके गुण हम में ठीक वैसे ही आने लग जाएंगे, ध्यान मात्र से आ जाएंगे। और ध्यान मूलम गुरु रूपम कह भी रहे, और साहब ने तो सूरत योग को स्थापित किया है। साहब ने बाकी किसी योग को मान्यता ही नहीं दी है, सूरत योग। सभी वाणियों में एक स्पष्ट मत मिलता है साहब का, जो कुछ है सूरत है, सूरत संभाले काज है तू ना भरम भुलाए। कहे कबीर विचार के सुनो साध धर्मदास, अमर मूल निश नाम है ताकर अस प्रकाश। सात दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। वो बिल्कुल आपके अंदर के सभी संशयों को खत्म कर देगा। मैंने एक आदमी मुझे कहा कि गुरुजी कृपा करो कुछ अंदर में खेल दिखाओ। मैं बोला अंदर का ही तो खेल है हमारे यहां। बोला कुछ कृपा करो देखूं। मैं कहा आओ मैं दिखाता हूं। आप पहले कैसे थे? बोला गुरुजी बड़ा बेकार था। तो अंतःकरण नहीं बदल दिया? ये अध्यात्म खेल है। और तुम्हें नाम के बाद कैसा लगता? बोला गुरुजी एक संतुष्टि है। पांच छह गुरु किए थे मैंने, लेकिन मैं कहीं संतुष्ट नहीं था। मैं अभी संतुष्ट हूं। मैं कहा मेरे भाई यही अध्यात्म है, आप आगे देखते चलना ना। बोला अब मैं मेरा ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा, नहीं तो मैं अंदर से संतुष्ट नहीं था। गोधन गजधन गाजधन सब रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। दूसरा बोला गुरुजी ऐसा है मेरा सेल्फ कंट्रोल बहुत बढ़ गया है। मैं बोला सेल्फ कंट्रोल को आप अध्यात्म क्यों नहीं मान रहे हैं? सेल्फ कंट्रोल का मतलब है आपके अंदर जो नेगेटिविटी थी, जो नेगेटिव चीजें थी, वो आपके कंट्रोल में आ गई। हम सब लोग भौतिक दृष्टि रखते हैं, सिर्फ सोचते हैं कि इसे इस प्रकार से वो हुआ। वाह साहब ने तो सत्ता के लिए एक शब्द में ही समेट दी बात। महापवास से पात्रा वायु ते अतिचीन, महापवास से पात्रा वायु से अतिचीन, पानी से उतावला दोस्त कबीरा किन। वाह फूल की खुशबू से भी सूक्ष्म है वो, पानी से भी तरल है, वायु से भी जीना है। हैं प्रकट पर दीसत नाही सदगुर सैन सहारा है, हैं प्रकट पर दीसत नाही सदगुर सैन सहारा। भटकाने के लिए लोगों का काफी सूत्र है। मैं पहली बार दिल्ली में गया तो मैं नंद किशोर एक मेरे परिचित थे, उनके यहां जाना चाहता था। और मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर ही निकला, उसका घर वहां से 100 गज दूर था। उस जमाने में मोटरसाइकिलें भी चलती थी टैक्सी में। मुझे एक ने कहा हाँ चलिए आपको पहुंचाऊंगा। मैं बोला भैया कितना किराया लगेगा? बोला मीटर बता देगा। मैं कहा ठीक है।
उसमें दिशाओं का ज्ञान और चिन्हों का ज्ञान दिया जाता है। वो मुझे 2 घंटे पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाता रहा। वो जान गया कि आदमी अनजान है, इसको कुछ नहीं पता है। तब उसने क्या किया, मुझे कहा, मेरी नजर एकाएक मंटू ब्रिज पर पड़ी। वो मुझसे काफी पैसे मांग रहा था उस समय। मैंने कहा, भाई एक बात बताओ, आपने मुझे कहां से उठाया? बोला, रेलवे स्टेशन से। मैंने बोला, रेलवे स्टेशन कितनी दूर है? बोला, मीटर में देख लो। मैंने कहा, ये मंटू ब्रिज है? बोला, हाँ, बस एक 200 फीट पर, 100 गज पर था रेलवे स्टेशन, बीच में दुकानें वगैरह थी, वहां था। इस तरह भटकाने वाला तो आपको कहीं भी भटका सकता है, भटकाने वाले बहुत हैं। तो बंधु, इस तरह से इंसान भटकता है। जब पूर्ण सदगुरु मिलता है, पूरा भटकाव खत्म करता है। पहली बात तो आपको अंदर से निश्चिंत कर देता है, आपका भ्रम मिटा देता है, उसका निवारण कर देता है। नाम की इतनी बड़ी ताकत है। सदगुरु नाम बताने वाले, तुझको लाखों प्रणाम। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है अभी, धीरे धीरे आगंतुक लोग 31 दिसंबर और 30, 31 और 1 जनवरी के आयोजन के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। मैं आपको पुनः प्रार्थना करूँगा कि नज़दीक के लोग आएँ, थोड़ा आश्रम में सेवा करें, उसकी आवश्यकता है। कल पुनः मैं हाज़िर हो जाऊँगा साहिब बन के।